खबरों में बने रहने के लिए बेल आइकॉन दबाइए और एबीपी न्यूज को सब्सक्राइब कीजिए। स्वागत है आपका एबीपी न्यूज पर। अब आपको दिखा देते हैं क्राइम की सभी बड़ी खबरें सिर्फ 100 सेकंड में। पश्चिम बंगाल के पुरुलिया में बच्चा चोरी के आरोप में लोगों ने दो लोगों की पिटाई की, मौके पर पहुंची पुलिस पर भी हमला किया, पुलिस ने 10 लोगों को गिरफ्तार किया। एमपी के इंदौर में परिवार के आत्महत्या मामले में खुलासा, ऑनलाइन ट्रेडिंग में घाटे और नौकरी जाने के डर से की मृतक अभिषेक समेत परिवार ने आत्महत्या। यूपी के नोएडा में तेज रफ्तार कार ने दो लोगों को मारी टक्कर, हालत गंभीर, पुलिस मामले की जांच में जुटी। ओडिशा के पुरी में हवाई फायरिंग का मामला, एक पार्टी के दौरान दो लोगों ने की फायरिंग, वीडियो वायरल, पुलिस जांच में जुटी। छत्तीसगढ़ के दंतेवाड़ा में नक्सलियों की बड़ी साजिश नाकाम, कटे कल्याण मार्ग पर नक्सलियों ने पुल के नीचे 7 किलो आईडी लगा रखी थी। यूपी के बरेली में पति ने अपनी पत्नी पर फेंका तेजाब, इलाज के दौरान पत्नी की मौत, पुलिस ने मामला दर्ज किया। यूपी के मेरठ में अवैध हथियार बनाने वाली फैक्ट्री का भंडाफोड़, पुलिस ने 5 आरोपियों को रंगे हाथ पकड़ा, भारी मात्रा में हथियार बरामद। बिहार के कैमूर में अगवा किए गए 10 साल के बच्चे को बरामद किया गया, पुलिस ने मामले में 7 आरोपियों को गिरफ्तार किया, अपहरणकर्ताओं ने 15 लाख की फिरौती मांगी थी। कस्टम विभाग ने चेन्नई एयरपोर्ट से 26 लाख रुपए का अवैध सोना जब्त किया।